हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में 6 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड में हमारा 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इस बोर्ड में दोस्तों हमारा एक पावर सॉकेट रहेगा और एक हमारा नॉर्मल सॉकेट रहेगा। इस बोर्ड में इंडिकेटर भी दिया हुआ है, तो इसकी वायरिंग कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने 2.5 स्क्वायर mm में एक रेड कलर का वायर लिया है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे यानी जो हमारा पावर स्विच है यानी 16 एम्पियर का स्विच है और 16 एम्पियर का सॉकेट है। तो स्विच से सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए देख सकते हैं रेड कलर का 2.5 स्क्वायर mm का हम वायर ले रहे हैं क्योंकि इस पर हमारा लोड ज़्यादा रहेगा। तो देख सकते हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्शन करने के बाद सॉकेट का जो हमारा यल पॉइंट होता है यानी फेस का, वहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे यानी स्विच से सॉकेट को हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 1 स्क्वायर mm का हम येलो कलर का वायर लिए हैं और जो हमारा स्विच है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन किए हैं और सॉकेट के यल वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। अब इस वाले स्विच से भी हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं एक वायर का इस तरह से टुकड़ा लेंगे, वायर का इंसुलेशन रिमूव करेंगे और स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे यानी दोनों स्विच को हमें लूपिंग करना है, तो इस प्रकार से लूपिंग कर लेंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब दोस्तों हमें इंडिकेटर का वायर लेना है। देख सकते हैं इंडिकेटर का हमारा 2 वायर है, तो एक वायर लेंगे क्योंकि हमें इंडिकेटर पे डायरेक्ट सप्लाई देना है। तो स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे इंडिकेटर के एक वायर को हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, लूजिंग नहीं रखेंगे। इंडिकेटर दोस्तों इस बोर्ड में ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, तो वायर का टुकड़ा लेंगे, देख सकते हैं 1 स्क्वायर mm ब्लैक कलर का ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर का वायर और ये वायर अच्छी तरीके से आपस में ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा नॉर्मल सॉकेट है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे, लूज नहीं रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इंडिकेटर को हमारा न्यूट्रल फेस सप्लाई मिल जाएगा और ये जो वायर हमारा पावर बोर्ड में मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर का 2.5 स्क्वायर mm में हमारी फेस की वायर है, ठीक है। ब्लैक हमारा न्यूट्रल है और वाइट कलर का जो 1 स्क्वायर mm है इन्वर्टर का। तो अभी फिलहाल इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वाले सॉकेट का जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, मेन न्यूट्रल वाला जो वायर है, ठीक है, हम पावर सॉकेट में डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो लोड है पावर सॉकेट पे पहले आए, उसके बाद दोस्तों जो हमारा नॉर्मल सॉकेट है वहाँ पे जाए, तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे, देख सकते हैं इस वाले स्विच के निचले वाले टर्मिनल पे हम फेस का कनेक्शन करेंगे। स्क्रू को हमने लूज कर लिया है और इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है, लूजिंग नहीं रखना है। अगर आप लूजिंग रखते हैं तो लोड जब पड़ता है तो स्पार्क करता है और जो स्विच और सॉकेट जो भी है वो जल जाता है। अब दोस्तों वायरिंग कनेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इन्वर्टर का अभी कनेक्शन नहीं हो रहा है। जब इन्वर्टर का कनेक्शन होगा तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस बोर्ड को अच्छी तरीके से हमें कस लेना है। इस तरह से देख सकते हैं ब्लैक स्क्रू से हम इस बोर्ड को टाइट कर रहे हैं, सिधाई वगैरह देखने के बाद फुल टाइट कर देना है। तो दोस्तों इस बोर्ड को अच्छी तरीके से कसने के बाद इसका जो कवर है, हम कवर अच्छी तरीके से इसे लगा देंगे यानी वॉल में अच्छी तरीके से हमारा फिटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है गाइस। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम सप्लाई देंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है जो बोर्ड के साथ ही दिया हुआ है, वो हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है यानी सप्लाई हमारी आ चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के।